हेलो क्लास यूके जी, कैसे हैं सब बच्चे? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वर्क वेरी वेल। एंड आप लोगों ने अभी तक भी जो मैंने वर्क कराया है उसको अच्छे से आपने नोटबुक में कंप्लीट भी कर लिया होगा, और आगे का वर्क भी अब जो मैं करा रही हूँ फर्दर उसको भी आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज पोएम एक्टिविटी। आज हम फिर से पोएम एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर पोएम बुक, राइम बुक, एंड वी आर रीडिंग दिस। आज हम ये वाली पोएम रिसाइट करेंगे, ट्रू फ्रेंड्स। ओके, ट्रू फ्रेंड्स। एंड द नेक्स्ट पोएम इज दिस वन, सोने की चिड़िया। ओके, लेट्स स्टार्ट। द ट्रू फ्रेंड इज कॉल्ड फॉर द ट्रीज। ठीक है, ये जो पोएम है, जिसने पोएम लिखी है पोएट ने, ट्रू फ्रेंड्स किसको बताया है? ट्रीज को बताया है, क्योंकि ट्रीज वाकई में हमारे ट्रू फ्रेंड्स हैं। वो हमें बहुत कुछ देते हैं बट हमसे बदले में कुछ भी नहीं मांगते, है ना? दे गिव अस फ्रूट्स, वुड, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन्स, बहुत सारी चीज़ें हमें फ्रूट से, प्लांट से मिलती है ना, तो हमें उनको काटना नहीं चाहिए। ठीक है, जब हमें जरा सा कट लग जाता है तो हमें बहुत पेन होता है ना, दर्द होता है, तो लेकिन जब हम पेड़ों को काटते हैं तो उनको भी ऐसा ही फील होता है। दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, मैंने आपको बताया था ना, दे ऑल्सो फील बैड, उन्हें भी बुरा लगता है, तो हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, खासकर जो हरे पेड़ हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। ट्री जो है वो क्या कह रहा है? ट्री कुछ कह रहा है हमसे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो ये ट्री है, इसको ये जो वुड कटर है वो उसको ट्री को काट रहा है, जो लकड़ा रहा है वो उसको काट रहा है, तो हमें जो है ट्री जो है उससे ये बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मुझे मत काटो। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। डोंट कट मी, क्राइड द ट्री, बिकॉज आई विल गिव यू शेडो फ्री, टेक माय कूल शेड एंड माय फ्रेश स्मेल एंड लेट मी लिव माय लाइफ वेल। Treat me as your loving friend. I'm very helpful and your true friend. Again, I am giving the poem. दोबारा से revise कर रहे हैं। Don't cut me, cried the tree, because I'll give you shadow free. Take my cool shade and my fresh smell and let me live my life well. Treat me as your loving friend. I'm very helpful and your true friend. Thank you and have a nice day. Now we are again starting our next poem, सोने की चिड़िया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी पोएम है, आपको अच्छा लगेगा। सोने की चिड़िया, सोने के पंख, चिड़िया उड़ गई फर फर फर, चांदी का तिनका लाई चिड़िया, चंद्र लोक से आई चिड़िया, मोती का दाना लाई चिड़िया, मेरी गोद में आई चिड़िया, हम दोनों मिलकर गाएंगे, नील गगन में उड़ जाएंगे। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सोने की चिड़िया, सोने के पर, चिड़िया उड़ गई फर फर फर, चांदी का तिनका लाई चिड़िया, चंद्र लोक से आई चिड़िया, मोती का दाना लाई चिड़िया, मेरी गोद में आई चिड़िया, हम दोनों मिलकर गाएंगे, नील गगन में उड़ जाएंगे। सभी बच्चे इन टू पोएम्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। ओके, विद एक्शंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।